हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं एक और नई शादी, और शायद बड़े लोगों का नहीं, कुछ ख़राब लोगों का कहना कि शादी यानी कि एक बर्बादी। तो आइए दोनों ही चीज़ देख लेते हैं, आबादी भी बर्बादी भी। तो काफ़ी धूमधाम से बारात जो आ रही है, और आप देख सकते हैं कि जैसे छोटा हाथी खड़ा हुआ, उसके ऊपर जो है ये ट्रांसफार्मर नहीं होता जिसमें लाइट के लिए लगाए रहते हैं, जनरेटर होता है, लाइट उसी के साथ चल रही है। और काफ़ी जो है ज़बरदस्त जो है ढोल ताशे के साथ जो है, और आजकल पता नहीं कौन सा लुलिया मांगी और का मांगी, ये सब गाना चलता रहता है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से लड़के खूब झूम रहे हैं शादी के मौके पर, और जिसकी शादी है वो गाड़ी पे बैठा रहता है या तो घोड़े पे बैठा रहता है, और उसकी बस ये लास्ट ही जो है आज़ादी है, और उसके बाद वो लाइफ टाइम वो बिज़ी रहेगा अपनी ज़िंदगी में। तो जितना मौज करना हो दोस्तों शादी के पहले कर लो, और फिर शादी के बाद जो है एक वो नई ज़िंदगी शुरू होती है। आप देखें बैचलर किस तरह से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इनको पता ही नहीं है शादी के बारे में, ये तो बस एक एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी दोस्तों एक जो है बहुत ही अच्छा टाइम होता है, ये भी बहुत एक अच्छा टाइम होता है, ये जो एज है 22 साल, 18 साल, 24 साल, ये एक एज होती है अलग एकदम अच्छी, और इसमें एक अलग ही जो है एंजॉय होता है। उसके बाद शादी ब्याह हो जाती है, फिर जब बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर एकदम एक अलग मोड़ आ जाता है। यानी शादी जैसे कि एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद उसको क्या पता रहता है, कुछ नहीं पता होता, तो उसको करीब करीब जब तक कि शादी नहीं होती उसको जो सही तरह से चलते रहते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मालूम होता, और जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वो तो ऐसे भी गुनाह ला लेते हैं, उनको दुनिया भर की बीमारी लग जाती है और वो परेशानी भी बढ़ती जाती है। लेकिन जो लोग सही रास्ता चुन लेते हैं, काम में लग जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, वो सबसे अच्छा रास्ता होता है। लेकिन ये किसी को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर इंसान उस रास्ते से गुज़र के जाएगा, और जो लोग समझ जाते हैं तो उनके लिए समझ लो कि एक दुनिया ही जो है जन्नत कह सकते हैं, जन्नत यानी कि बहुत अच्छा यानी एक हिसाब से। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो गुनहगार यानी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से फैमिली भी काफ़ी जो है जोश में रहती है, आजकल जो शादी होती है वो इसी प्रकार से होती है कि साथ में फैमिली भी चलती है। लेकिन पहले किसी दौर में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब एक नया रिवाज हो गया कि फैमिली भी साथ में चलती है, जबकि वो बेचारियाँ उनको इतना ताकत नहीं होती है, लेकिन फिर भी जोश उतनी टाइम का जो होता है शादी ब्याह का, कि सभी लड़कियां या सभी औरतें सोचती हैं हम सब में अलग दिखें और सब लोगों में एकदम अलग हम दिखें, तो एकदम से अच्छे से बन के जाती हैं और वो अपने आप में खुश होती हैं। लेकिन बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं शायद यार ये मुझे, ये मेरी वाली है, ये मुझसे जो है मेरी तरफ देख रही है, इस तरह की सोच सोचते हैं। ऐसा होता नहीं है, यानी 100 में 1% ऐसी होती होंगी लड़कियां, लेकिन ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो अपने आप में खुश होती हैं, अपने भाई और अपने बाप की कमाई पर वो खुश रहती हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लड़कियां भी साथ में कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ होती है, वो जब अपने घर जाती हैं ना फिर उनको पता चलता है कि हमें कितनी तकलीफ़ है। तो अच्छा होता कि बारात जाए उसमें गाड़ी हो यानी मारुति, उसमें बैठ के जाएं तो उसमें का अलग ही जो है एक मज़ा होता है, उनको आराम भी रहता है, लेकिन बारात भी अच्छी दिखती है कि हाँ गाड़ी में जा रही है सब। लेकिन लाइटिंग वगैरह जो होती है वो रात के लिए होती है, दिन के तो ऐसे ही होती है, लेकिन काफ़ी अच्छी दोस्तों बारात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल तरीके से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो नौजवान है वो खूब उसका इंजॉय कर रहे हैं शादी का।
किसी किसी शादी में हमने देखा है कि फैमिली भी डांस करते हुए जाती है, काफ़ी यानी सब अपने अपने तरह से शादी ब्याह करते हैं दोस्तों, और इसमें कोई बुराई हमारे हिसाब से नहीं समझ में आती, जो कि ये खुशी का मौका होता है और इसमें बेटर है कि सब लोग खुश रहें और अच्छे से रहें। हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिन भाइयों को हमारे जिन सब्सक्राइबर की शादी हो रही है हमारे तरफ से अभी से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जितना भी हो सके दोस्तों अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, और उसमें भले ही अपना क्यों ना नुकसान हो कोशिश करना चाहिए, उसमें हम भी हैं, सभी लोगों को करना चाहिए। और अच्छे काम में हमेशा इंसान का फ़ायदा नहीं होता, उसमें नुकसान भी होता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके उसकी भरपाई भी हो जाती है अगर इंसान अच्छा है तो। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये शादी की वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। देखते रहिए जय स्टाइल। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर।